श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिवपुराण कथा शुरू हो गई है। यह श्रावण शिव महापुराण कथा 2 से 8 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आप देख सकते हैं। यह कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसलिए इस कथा को आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीवी या फिर मोबाइल के माध्यम से ही देखा जा सकता है। आज पहले दिन की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। एक कटोरी में लौंग, बेलपत्र, चावल के कुछ दाने और एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे गुरुजी ने कल मतलब 3 जुलाई सावन की चतुर्दशी को करने को कहा है। उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आज गुरुजी ने सभी से रात्रि में एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करने को भी कहा है, वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। आज 2 अगस्त पहले दिन की शिव महापुराण कथा में, जो कि छत्तीसगढ़ से चल रही है, गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, माता सती ने महादेव से प्रश्न किया, संसार सागर में मनुष्य बार बार जन्म लेता है, मृत्यु लेता है, उसे इस मनुष्य की योनि से कैसे बाहर निकल सकता है। इस पर गुरुजी ने कहा, अगर वह भगवान की भक्ति धारण करता है, अच्छे कर्म करता है, सतमार्ग में चलता है, तो वह जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि पहले के समय में जब व्यक्ति लोग तीर्थ में जाते थे या फिर तीर्थयात्रा में जाते थे, तो वे भोजन, अनाज और बर्तन, कई प्रकार के सामान लेकर जाते थे। वहाँ पर वह भोजन आदि उससे ग्रहण करते थे, पर आज के समय में इंसान यह सब क्यों नहीं करता। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आज के समय में इंसान 2 गड्डी फंसा कर चलता है, भोजन भी करता है उसी से, VIP दर्शन भी उसी से करता है, होटल में भी रुकता है, सब उससे जी सर करके उसकी आवभगत करते हैं, क्योंकि उसने 2 गड्डी फंसा के रखी है, इसलिए उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। वैसे ही आपको भी शिव और पार्वती की भक्ति की जो गड्डी है, उसे अपने हृदय में रख लेना है और आपको भी अपने जीवन का आनंद प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान स्वयं हमें ढूंढते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। पर जब सामने वाले को समझाएं तो सामने वाले की बुद्धि जितनी होगी, विवेक जितना होगा, वह उतना ही समझ पाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा लोरमी में होने वाली थी, पंडाल भी लग गया था, सारी व्यवस्थाएं भी हो गई थी, पर मिट्टी काली थी, जिस कारण से पाँव रखने पर घुटने तक पाँव अंदर मिट्टी के धंस रहे थे, जिस कारण से कथा कैंसिल करना पड़ा। प्रशासन भी चाहता है कि उनके शहर में कथा हो, बस प्रशासन सबकी सुरक्षा चाहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शनिदेव की कथा कहती है, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी का पड़ा हुआ छाता, किसी का पड़ा हुआ पादुका, मतलब जूते चप्पल, अगर कोई लेकर चला जाता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, आज सभी को मौका मिला है शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करने का। सभी भोलेनाथ की पूजन और अर्चन करेंगे, बेलपत्र, धतूरा, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। मिथिलेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो गया था और धीरे धीरे उसकी रोशनी भी कम होती चली जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आँख के मध्य में जो काला बिंदु होता है, उसमें 4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही ठीक हो सकता है। इसके साथ ही किसी के कहने पर हमने भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त कर लेते, जल का भी आचमन कर लेते। इसके बाद 1 इंजेक्शन लगाया, बाकी के 3 इंजेक्शन लगाने की दम नहीं हो रही थी, पर हमने बेलपत्र और जल का नियम जारी रखा। डॉक्टर के पास 2 इंजेक्शन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, आपको अब इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, आपकी आँख ठीक होने लगी है और अभी वर्तमान में 90% रोशनी वापस आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकलने मात्र से
हमें ना जाने कितने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और सभी से निवेदन करेंगे, आपको भी सावन के इस पावन महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना है और उसे बड़ा भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने बेलपत्र का पौधा लगाया, फ़ोटो खिंचाया और उसके बाद आपने उसे देखा नहीं और बाद में उसे बकरी खा गई। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, एक बेलपत्र जब हम खाते हैं तो आपको लगता है कि हमने कोई औषधि ग्रहण कर ली है, बल्कि जब हम एक बेलपत्र का आचमन करते हैं तो लिंग पुराण कहती है कि आपके अंदर शिव विद्यमान हो जाते हैं और हर पल हर घड़ी शिव आपके साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने प्रश्न किया, जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें नेत्र सर मुख बनाना चाहिए कि नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि आपको पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में नेत्र सिर मुख बनाने की कोई आवश्यकता है। आपको बनाना आवश्यक नहीं है। आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, उसमें जितने कण होते हैं उतने शिवलिंग पूजन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। आपको नंदी भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में आप और हम सदा शिव के चरणों में पड़े रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र में इतना बल होता है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें 64 योगिनी अष्ट सिद्धि नवनिधियों का बल विद्यमान रहता है। और जब हम उत्तरमुखी होकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली वह बेलपत्र होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन शिवरात्रि में गेहूँ, काली मिर्च, कमलगट्टा, धतूरा पार्थिव शिवलिंग पर जब हम अर्पित करते हैं तो उसका जो फल होता है वह हमें एक वर्ष के अंदर मिल जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शुगर का कितना ही मरीज हो, इंसुलिन भी लग रही हो, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, इलाज भी कराना है, पर आपको बेलपत्र का आचमन भी करना चाहिए। आचमन करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। और अगर बेलपत्र खाने से आपको छाल लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उस बेलपत्र को सुखाकर उसकी गोली बना लें और सप्ताह में एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जरूर आचमन करें। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। देवी बाई गांधी जी पत्र लेकर आएँ जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना ख़राब हुआ कि शरीर रहेगा या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया और साथ में शंकर पर भी विश्वास रखते हुए अपने पोते से शिवलिंग पर जल चढ़वाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करवा के उसका आचमन भी किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज सभी ऑनलाइन पूजन और अभिषेक देखेंगे और अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करेंगे, तो सभी को शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे आप, उस पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को पूजन होने के बाद, आरती होने के बाद बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए प्राप्त कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को अपने पास रख लीजिए। आप स्वयं देखना कि वह बेलपत्र ने आपको क्या प्रदान किया है, वह बेलपत्र आपको वर्ष भर अपने पास रखना है। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनम श्रीवास्तव जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, सावन शिवरात्रि पूजन के महत्व का वर्णन करना चाहूँगी। एक बेटी थी, 9 वर्ष की हो गई थी, उसके बाद दूसरी संतान नहीं हो रही थी। सावन शिवरात्रि के पूजन के बाद एक बेलपत्र को उठाकर रख लिया और पुत्र की कामना कर ली। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ, अभी कुछ महीने पहले ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर, विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा का गुरु जी का बताया बिल्कुल नया विशेष उपाय है, जिसे आपको कल मतलब 3 जुलाई सावन चतुर्दशी की विशेष तिथि में करना है। और गुरुजी ने सभी से यह नए उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोजन करते समय आपको थाली में बाल आ जाता है, भोजन में बाल आ जाता है, भोजन करते समय आपको ठसका लग जाता है, भोजन करते समय आपको हिचकी आ जाती है, ऐसा रोज़ हो रहा है या फिर 2-3 दिन के अंतराल पे आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको यह समझना है कि इसका तात्पर्य है आपका कोई पूर्वज है जो तृप्त नहीं है, भूखा है, वह प्यासा है, इसलिए वह आपको याद कर रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो काफ़ी सरल और आसान उपाय आपको करना है। आपको एक कटोरी में चावल ले लेना है, एक कटोरी में चावल ले लेने के बाद आपको उसमें एक लौंग डाल देना है और एक बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद अमावस्या से पहले आने वाली चतुर्दशी को, मतलब आपको 3 अगस्त को चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद 4 अगस्त को अमावस्या है, तो आपको 3 अगस्त की चतुर्दशी की रात को अपने घर पे ही
किचन के पास जहाँ मतलब आप पानी का पात्र रखते हैं वहाँ पर आपको उस कटोरी को रख देना है, रात भर रखे रहने दीजिए। इसके बाद अगला दिन जो होगा वह अमावस्या की तिथि होगी और इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस कटोरी की सभी सामग्री को मतलब चावल, एक लौंग और एक बेलपत्र को किसी कागज़ में रखते हुए या फिर किसी दोने में रखते हुए उसे आपको शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है, रख देना है। अगर आप गणेश भगवान के स्थान पर भी स्पर्श कराते हुए वहीं पर बाजू पर भी रख देंगे तो भी चलेगा। यह विशेष उपाय गुरुजी ने चतुर्दशी की रात्रि को करने को कहा है और आपके पास सावन शिवरात्रि की बाद अगला दिन जो है वह चतुर्दशी का है, 3 जुलाई को आपको यह उपाय करना है। काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है, 3 जुलाई को चतुर्दशी की तिथि की रात्रि में आपको यह उपाय करना है और सभी सामग्री आपको 4 जुलाई को अमावस्या जो कि सावन अमावस्या की विशेष तिथि है उस दिन जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए गणेश भगवान के स्थान के पास रख देना है। इस वीडियो में बताएगा उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप सभी को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप व्हाट्सएप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।